और ये हमें भाई साहब मिले नहीं गढ़ से ही दो तीन अपने फ्रेंड्स। ऐ माता भक्यानी दी की दिया हमें रुकने के लिए, पूछते क्या कर रही, नीचे कर रहा ना। अच्छा कहाँ से आए थे? चलो चलते हैं जी आगे, अभी ट्रक खड़ा है, बसें भी चल रही हैं। देखो ये देखो जी पूरी बस ये जा रहा है ऊपर टेम्पल की तरफ, और वो रास्ता जो है वो नीचे जो जा रहा है वो जा रहा है चौपाल की तरफ। पेस्ट ब्रश और कंघी वगैरह हमने ले ली है। अल्टीमेट मौसम हो रहा है यहाँ पे, ठंड पानी खड़ा है पूरा यहाँ पे। देखो लो जी माता के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। शर्मा जी का यहाँ पे फूड कॉर्नर है बड़ा। जय भक्यानी माता की जय हो। ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਬਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ये देखो आप बर्फ पड़ी है पूरी यहाँ पे। हरी बाजार के अंदर हैं अभी हम, और टाइम हुआ है अभी 9 बजे हैं, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। धूप नहीं निकली अभी तक। 6 जनवरी 2022 है आज। तो चाय पी रहे हैं गरम गरम सुबह सुबह। हेलो, ये कुछ बर्ड्स बैठे हैं वहाँ पे, और डॉग भी बैठे हैं 3। देखो खेल रहे हैं आपस में। स्नोफॉल होने के बाद देखो सब कुछ खूबसूरत हो जाता है ना। पेड़ों के ऊपर देखो बर्फ पड़ी है, और सामने काले बादल छा रहे हैं, सामने बिल्कुल काले बादल। वहां थोड़ा वाइट हो रहा है, चारों तरफ काला। और इधर देखो आप, धूप नहीं निकली अभी तक। आपको देखो, ओह माय गॉड, ये देखो आप, ये खेत है कैसे यहाँ पे सारी जगह बर्फ पड़ी है। ये देखो ये होता है मतलब बर्फ का एंजॉय। ये एक गाड़ी आई है बस अभी ऊपर से, हरियाणा की गाड़ी है ये, और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। देखो बर्फ से ढक चुकी है गाड़ी। तो ऊपर चलते हैं एक बार छत के ऊपर, देखते हैं कैसा ऊपर बना हुआ है व्यू, ऊपर से देखते हैं कैसा व्यू दिखता है ना भाई साहब। अभी तो मैंने जैकेट भी डाल लिया अपनी, है ऊपर से कुछ अच्छा व्यू। बर्फ को टच करने का भी दिल नहीं कर रहा, और हाँ देखो बिल्कुल लाल हो चुके हैं, बिल्कुल लाल। ये देखो ये नजारे हैं हिमाचल के। यहां से देखो ग्राउंड दिखाया है, पूरा ग्राउंड है बना हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ पे झील थी, झील जम गई हो इस तरह से मतलब लग रहा है, पर झील नहीं है यहाँ पे, ग्राउंड है। देखो पूरी बर्फ ही बर्फ हो रही है ना। वाह जी वाह, वहां का जो नजारा ना बड़ा खूबसूरत है। अभी वहां पे रेनबो भी था, निकल रहा था कि अब धूप निकलने वाली है शायद। और यहाँ पे देखो बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं भाई साहब। सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। करते हैं तैयारी फिर अब आगे जाने की। तो थोड़ी देर में मिलेंगे फिर अभी, और टेंपल जाने वाले हैं। देखते हैं भी रास्ता कैसे है आगे, अगर रास्ता कुछ ठीक हुआ तो हम टेंपल तक जरूर पहुंचेंगे। तो जय माता दी। ये देखो जी गाड़ी का क्या हो रहा है, और ये हमें भाई साहब मिले नहीं गढ़ से ही दो तीन अपने फ्रेंड्स। नहीं हम जा रहे हैं जी, धुंध हो रही है अभी फिलहाल, और जा रहे हैं अभी, देखते हैं आगे। स्टे कहाँ किया था आपने? जय माता भक्यानी देवी की। हमारा सफर आज बहुत अच्छा रहे, माता से यही हम करते हैं प्रेयर, और चल चुके हैं देखो। भाई साहब पूरी ठंड हो रही है, गाड़ी के अंदर भी ठंड लग रही है, चारों शीशे बंद करने के बाद भी। और ये हरियाणा के कुछ बंदे खड़े हैं, इन्होंने अभी हाथ दिया है हमें रुकने के लिए, पूछते क्या करें, नीचे नीचे कर रहा ना। नहीं हम तो रात आए थे। अच्छा आप कब आए थे? हम भी कल रात आए। अच्छा कहाँ से आए थे? इधर से नारायणगढ़ साइड। अच्छा नारायणगढ़ से, हम भी तो नारायणगढ़ से हैं। अच्छा मिले तो होनी कभी, लोकल नंबर है। हाँ और ठीक हो आप? कहाँ कहाँ जाओगे ऊपर? वापसी। अच्छा वापसी जा रहे, मंदिर में गए? ना सारे में कभी रास्ता ना। नहीं 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 कुछ नहीं है। आप कितनी दूर से आए आप?
ये पीछे रखा था होटल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अरे आ जाओ, राम नाम से कोई दिक्कत नहीं यार, आए तो मत टेक के जाओ। कौन देगा, बंदे घबरा रहे हैं हमारे, नहंगट के देखो। मैं तो सोच रहा था दिलेर है बंदे नहंगट के। नहीं नहीं कुछ नहीं है यार, आराम आराम से चलो। अच्छा चलो चलते हैं जी आगे। अभी एक ट्रक खड़ा है आगे, बसें भी चल रही हैं, देखो ये बस जा कहाँ रही है, लिखा नहीं इसके ऊपर। धन्यवाद भाई। हाँ हाँ, मार्केट वगैरह खुल चुकी है, यहाँ पे बर्फ है नहीं है ना, रात को बर्फ थी काफी है। ये बस स्टैंड है हरिप्रदार का, और यहाँ पे दुकानें हैं। अभी तो हमने ब्रश भी नहीं करा, पेस्ट वगैरह तो लेंगे यहाँ से। नहा लिए हमने, ब्रश नहीं करा, नहा लिए लेकिन अच्छे से। वो भी ये जो रास्ता, ये जो रास्ता है ना, ये जो चौक है, ये रास्ता जा रहा है नोराधार, ये जा रहा है ऊपर टेम्पल की तरफ, और वो रास्ता जो है वो नीचे जो जा रहा है वो जा रहा है चुपाल की तरफ। फिलहाल हमें ऊपर जाना है सूर्य होम स्टे, यहीं रुक के ना लेते हैं कुछ। कहाँ शॉप, वो रही शॉप है ना सामने, पूछता हूँ उनसे। हैंड ब्रेक वगैरह खींचते, हैंड ब्रेक लगा देनी चाहिए, उन्हें लगा दी। सारी गाड़ियों के ऊपर बर्फ पड़ी है देखो। अच्छा है अबे, पानी चल रहा है नीचे। पेस्ट वगैरह मिल जाएगा, पेस्ट पेस्ट मिल जाएगा, पेस्ट पेस्ट दे दो एक छोटा। 10 वाला? हाँ 10 वाला ठीक है। एक कंगा दे दो छोटा, छोटा कंगा तो कोई भी चाहिए। तो ऊपर टेंपल में रास्ता ठीक होगा जी अभी? अच्छा अच्छा, तो आप लोकल भी रखते हैं अभी, दाल वगैरह से राजमा होती है ये? कौन सी है? एक दाल होती है पहाड़ी, कौन सी होती है वो? ये लोकल राजमा यहीं की, हरिप्रदार की, आसपास की। और नहीं, एक वो कुछ दाल होती है यहाँ की पहाड़ों की, कौन सी दाल? कौन क्या प्राइस है जिसको? हाँ जी 130 है वो बोली। अच्छा ये वाली, ये दोनों लोकल है क्या? ठीक है। पेस्ट ब्रश और कंघी वगैरह हमने ले ली है, आगे जाके करते हैं यहीं पे। ठीक है, ये देखो आप पूरी बर्फ जमी हुई है, चलें फिर। लो जी टेंपल के लिए रास्ता स्टार्ट हो चुका है, देखो आप नीचे से कैसे, नीचे देख, नीचे देख। ओह माय गॉड कैसा व्यू है, रन बड़ा ही जबरदस्त। वाह जी वाह, बादल हो रहे हैं, बर्फ हो रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, धूप भी निकल गई है, धूप भी निकल गई है। ये देखो जी, देखो बर्फ पड़ी है पूरी, और भी देखो अल्टीमेट मौसम हो रहा है यहाँ पे, ठंड हो रही है पूरी, और नीचे देखो भाई साहब बादल ही बादल चले, भाई साहब बैठे हैं गाड़ी के अंदर ठंड के मारे, गाड़ी के अंदर घुस गए। ठंड लग रही है क्या? भाई साहब क्या मौसम हो रहा है, बढ़िया देखो बर्फ ही बर्फ, और कितना बढ़िया सुंदर मौसम हो रहा है। ये जो नजारे हैं ना, इन्हीं नजारों की वजह से हम हिमाचल में आते हैं, करो एंजॉय आप पूरा। आगे पानी खड़ा है पूरा यहाँ पे देखो, अंदर पहले उस गाड़ी को आने दे रहे हैं, वो गाड़ी आएगी उसके बाद हम जाएंगे, उसको जाने दे पहले हम। ये बर्फ का पानी है सारा, और यही बंदे तो हैं शायद जो रात को मिले थे, है ना? पूछा रास्ता ठीक था,
जल्दी है भाई साहब। बर्फीला पानी है। थोड़ी दूरी पे है बस टेंपल यहाँ से। ना ना लो जी माता के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं और ये देखिए एंट्री गेट है माँ भगवानी देवी दरबार हरिपुर। और यहाँ पे ज्यादा बर्फ हो रही है स्लो चलाना। और ये घर है देखो घरों के ऊपर कैसे बर्फ जमी है देखो। यहाँ पे बर्फ ज्यादा है ना हाइट के ऊपर भी है और ओपन स्पेस किया ना ज्यादा है काफी लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए हम अभी लेट हो गए। वाह जी वाह कुछ दुकानें भी खुल चुकी हैं और घरों के ऊपर देखो बर्फ पड़ी है पूरी। शर्मा जी हाँ ये शर्मा जी है हमारे। तो ये शर्मा जी का यहाँ पे फूड कॉर्नर है बड़ा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे यहीं पे हम लंच करने वाले हैं। शर्मा जी कैसे हो बढ़िया नमस्कार जी लंच तो नीचे। तो ये जो शॉप है जो बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल पास है यहीं पे लंच करने वाले हैं हम। तो क्या क्या बनाते हो आप क्या क्या बनाया आज आपने? आलू प्याज का पराठा। ठीक है जी और सब्जी वगैरह में राजमा है तो राजमा आप लोकल यूज करते हो यहाँ के उसकी। तो टेम्पल के बिल्कुल पास ही है वो रास्ता है देखो मेरे सामने शॉप है हाँ ये बोर्ड है यहाँ पे शर्मा फूड कॉर्नर। जब भी हमें आता है पहले फोन करते हैं हाँ पहले फोन करते हैं शर्मा जी बर्फ पड़ी नहीं हाँ ये फोन नंबर भी दिया है आज से किलो ग्राम नहीं नहीं बस नीचे देखो पूरा पानी हो रहा है यहाँ पे पूरी बारिश की तरह हो रही है। हेलो माहिर का फोन आया माहिर से बात कर रहा हूँ। जय भगयानी माता की जय हो। बिल्कुल परफेक्ट टाइम के ऊपर आए हैं हम यहाँ पे चलते हैं फिर मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको है ना। जय माता की। ये देखो भाई साहब जो ठंडा लगी है ना शूज उतारने के बाद हम माता के मंदिर में खड़े हैं भगयानी माता के मंदिर। पूछ रहे कि माता रानी का इतिहास तो माता रानी जो है यहाँ पर शक्तिपीठ है पिंडी दर्शन है ये मतलब लिया कि हे माता रानी अगर तू कोई शक्ति है तो तू दूसरे दिन प्रकट होनी चाहिए अगर तू शक्ति नहीं है तो तू दबी भी रहनी चाहिए। तो दर्शन हमें हो चुके हैं माता के अब सामने वहां बराबर कैसे बादल चल रहे हैं पूरे हैं नीचे आगे देखो।